आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि केंद्र में जब भी कोई सरकार बनती है तो बिहार में उसकी विपरीत सरकार बनती है। फिलहाल ऐसा नहीं है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, भाजपा पूरे बहुमत में है। इसके साथ साथ बिहार में भाजपा की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी हुई है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पिछले कुछ दिनों में इनकी अकर्मण्यता पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाढ़ हो या फिर इंसेफ्लाइटिस या फिर मुजफ्फरपुर कांड, इस तरह की घटनाएं बिहार में इस तरह से आए दिन हो रही हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लग रहा है। ये तब हो रहा है जब चुनाव मात्र एक साल की दूरी पर है। बिहार में परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए प्रतिकूल हो रही हैं, जहां एक तरफ भाजपा जिसके साथ वो गठबंधन में है वो उनके लिए परेशानियां खड़ी कर रही है, वहीं बात की जाए महागठबंधन की तो राजद नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट नहीं हुई है। हालांकि महागठबंधन में नीतीश को बुलाने की कवायद कई नेताओं ने शुरू कर दी है, मगर तेजस्वी यादव ने अभी तक इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोला है। वहीं अगर बात की जाए तो हाल ही में एक नया विवाद शुरू हो गया है, आरएसएस जांच प्रकरण, जिसकी वजह से नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में अब दरार सी पड़ गई है। ये रिश्ते खटास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर लगातार हमला किया है। ऐसे में जदयू भी काफ़ी हमलावर हो गई है भाजपा के प्रति। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि यहां से आने वाले समय में एनडीए गठबंधन बिहार में बचता नहीं दिख रहा है। अब इन परिस्थितियों में बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार लगातार बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार के 14 से ज़्यादा जिलों में बाढ़ एक विकराल रूप ले चुका है। कम से कम 7 लाख लोगों का पलायन बिहार के अलग अलग इलाकों से हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों को रोज मेहनत करके कमा कर खाना पड़ता था उनके लिए अब कष्ट बढ़ गया है। बिहार में मजदूर, खेतिहर मजदूर खासतौर पर, इस कारण से अब भूखे सोने के लिए मजबूर हो गए हैं। पलायन बाढ़ की वजह से हो ही रहा था, मगर अब भूखे सोने के चलते कई मजदूर बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना अब बड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि गोवा में लगातार बिहारी मजदूर बड़ी संख्या में गोवा स्टेशन पर वास्को डी गामा में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण गोवा की सरकार में अब खलबली मची हुई है। आपको बता दें, गोवा के पूर्व मंत्री रोहन खूटे ने बुधवार को गोवा के थिविल रेलवे स्टेशन पर पटना वास्को एक्सप्रेस से पहुंच रहे बड़ी संख्या में मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनेता इन लोगों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में कर सकते हैं। खूटे की चिंताओं पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा विधानसभा में कहा कि उन्होंने उत्तर गोवा के कलेक्टर को ट्रेन संख्या 12742 से आने वाले बड़ी संख्या में मजदूरों और उनके ठिकाने की जांच करने के लिए आदेश दे दिए हैं। खूटे ने प्रश्नकाल के दौरान गोवा विधानसभा में कहा, जब तक ट्रेन मजदूरों से भरी हुई गोवा पहुंचती रहेगी तब तक डर लगता रहेगा। मजदूर गोवा में काम करने के लिए आते हैं और इसके बाद पंचायतों के तत्वों को की मदद करके भूखंड हासिल करते हैं, वे घर बनाते हैं और मतदाता बन जाते हैं। वे कहां से आए, उनका पिछला जीवन क्या था, इसकी जांच जरूरी है। खूटे की यह टिप्पणी एक वायरल वीडियो के कुछ दिनों के बाद आई है। इस वीडियो में उत्तरी गोवा में थिमिम रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों यात्री ट्रेन नंबर 12742 पटना वास्को एक्सप्रेस से कतारबद्ध होकर उतर रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक चर्चिल अलोमाओ ने राज्य में गोवा व गैर गोवा के लोगों को रोजगार के अनुपात में विषमता का मामला सामने लाया। परिस्थितियां जो भी हों, एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार बिहार के लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है। ये बातें तब हो रही हैं जब नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार की शासन अपने हाथ में रखे हुए हैं। परिस्थितियां लगातार ऐसी होती जा रही हैं जिनकी वजह से बिहार के लोगों को अभी भी पलायन करना पड़ रहा है। ये पलायन तत्कालिक हो या फिर पूर्णकालिक, बिहार के लोगों को अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार है पिछले 15 सालों में। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार आखिर आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर कब प्रतिक्रिया देंगे। साथ ही साथ एक सवाल और उठता है कि क्या बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। विपक्ष इन मुद्दों को उठाने से कतरा क्यों रहा है। विपक्ष लगातार बिहार में चीर निंद्रा में सोया हुआ है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अपनी मनमानी कर पा रहे हैं। सवाल जनता के लिए भी है कि कब तक आप पलायन करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।
अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।